आसमा कर इंतजार चल भर उड़ा सशक्तिकरण का सशक्त नारी तू दे पैगाम सशक्त नारी भारत की शान सशक्त नारी तू है महान। गुड आईएमसी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईएमसी नारी सीजन 3 के इस एपिसोड में। तो आज का ये एपिसोड हमारा उन महिलाओं को समर्पित है जो कि खास इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती हैं। सशक्त नारी, सशक्त नारी। और आज के हमारे खास मेहमान जिनके साथ मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ वो हैं, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे पहले खास मेहमान जिनका नाम है प्रीति शर्मा जी और ये है पंजाब से। गुड आईएमसी प्रीति जी। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं मिस हिबा खान जो कि हैं उत्तर प्रदेश से। गुड आईएमसी हिबा जी। वेरी गुड आईएमसी मैम। और आज हमारे तीसरे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो है मिस परमा मुखर्जी जो कि हैं वेस्ट बंगाल से। गुड आईएमसी परमा जी। गुड आईएमसी मैम। गुड आईएमसी। तो दोस्तों, आप सबके बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के ये खास मेहमानों का। हमने पिछले अपने एपिसोड्स में हमने बात करी, सबसे पहला एपिसोड हमारा था कपल पावर के ऊपर कि किस तरह से एज अ कपल आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। सेकंड एपिसोड में हमने ये जाना कि क्यों ये इंडस्ट्री महिलाओं के लिए बेहद खास है। और तीसरे एपिसोड में हमने बात करी यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर कि किस तरह से यूथ इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर वो एम्पावर्ड हो सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और आज का ये हमारा खास प्रोग्राम जो कि हमारा ये आज का स्पेशल एपिसोड है वो बात करने वाले हैं हम लोग इसमें आज कि किस तरीके से आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एंड आई एम श्योर एज अ वुमेन, एक महिला होने के नाते आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि किस तरीके से अगर मैं इस बिजनेस का हिस्सा बन जाती हूँ तो कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकती हूँ। तो आज हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। इनफैक्ट आज हमारे जो खास मेहमान है वो आपको ऐसे टिप्स देने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस में कामयाबी हासिल की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो प्रीति जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या हम नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खास बात किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होनी चाहिए जिससे कि लोग उस कंपनी के प्रति जो है आकर्षित हो, लोग उसको ज्वाइन करने में बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो? तो हम जानना चाहते हैं प्रीति जी आपसे। सबसे पहले गुड आईएमसी और मैं भारती मैम का पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और दूसरी बात, जैसे मैम ने पूछा कि इसकी बैकबोन के बारे में, तो बैकबोन तो मेन हमारा प्रोडक्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। और अगर प्रोडक्ट है, अगर हमारा तो कंपनी का एक ही उद्देश्य है स्वस्थ और समृद्ध, तो अगर प्रोडक्ट होंगे तभी हम स्वस्थ होंगे और तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे। तो मेन हमारा बैकबोन प्रोडक्ट है। मुझे तो इतना पता कि प्रोडक्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी कि प्रोडक्ट जो है किसी भी एक इंडस्ट्री का बैकबोन होता है जिसके बिहाफ पे, जिसके बेस पे कंपनी जो है अपने लाखों करोड़ों कस्टमर्स को अपनी प्रति आकर्षित करती है और कस्टमर्स जुड़ते हैं और जिसके थ्रू नेटवर्क जो है आगे बढ़ता जाता है। तो प्रीति जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि आईएमसी में क्योंकि आप बहुत देर से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा है, तो जो आईएमसी है आपने शुरुआती दौर से देखा है कि आईएमसी के पास कितने प्रोडक्ट थे और आज अगर हम बात करें तो वो रेंज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स जो है, क्या आपको प्रोडक्ट से कुछ मदद मिली है अपने बिजनेस को ग्रो करने में? बहुत ज्यादा मिली है, कम भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही पुरानी मैं एसोसिएट हूँ आईएमसी के साथ और जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब से हूँ। और स्टार्टिंग मतलब के कनोपी से द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, कनोपी लगाने वाली महिला, आज मैं खुद पहली महिला हूँ और मुझे गर्व भी होता है बताते हुए। तो
तो आज लाखों लोग कनोपी के द्वारा आज अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। बहुत लोगों के घर में चूल्हा जो जल रहा है वो कनोपी के द्वारा ही चल रहा है। मेरा मानना है कि प्रीति जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी अगर आप अपनी हिस्ट्री बताएं हमें कि आपने जब ये कंपनी ज्वाइन करी तो कैसा सफर रहा है आपका आईएमसी में? जब शुरुआती दौर में तो कुछ भी नहीं था। अगर मैं कहूँ कि आज तो सभी को ये बहुत खुशी की बात है कि आज हर जगह पे स्टोर अवेलेबल है, हर जगह आप अपना बिलिंग करवा सकते हो। पहले तो दो प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी कंपनी की जब स्टार्टिंग में। आज तो कंपनी के पास इतना ज्यादा प्रोडक्ट है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कनोपी में कौन से प्रोडक्ट आज रेंज रखें कौन सी ना रखें। हेल्थ, ब्यूटी, होम केयर, किचन केयर प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि ये हमारे जो गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स बहुत सारी रेंज आ गई है। अभी हमारे बड़े सर, मुझे बहुत गर्व है, मतलब डॉक्टर शिशोक भाटी, सत्यन भाटिया जी एंड एमडी सर, और मेरे भाई के समान एंड मेरी अपलाइन जसवीर सर जी, पहले तो उनको ही कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अगर वही त्रिमूर्ति अगर मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं भी आज आईएमसी में ना होती। तो इन्होंने एक कनोपी के द्वारा मुझे शुरुआत करवाई और मैं इस कनोपी में द्वारा मुझे आगे बिजनेस ग्रोथ करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। और आज मैं ये चाहूंगी कि हर महिला के लिए बहुत ही इससे ज्यादा आसान बिजनेस मुझे नहीं लगता कोई होगा करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि, और हम जानते हैं कि इस बिजनेस जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो आप इस कंपनी के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से ये कंपनी का निर्माण हुआ, और तब से लेकर अब तक आई एम श्योर अगर आईएमसी ने ग्रो किया है तो आपने भी यकीनन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ करी होगी। थैंक यू सो मच। हिबा जी, अगला क्वेश्चन आपसे है मेरा, तो जैसे कि प्रीति जी ने बात करी कि किसी भी कंपनी की बैकबोन जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आई एम श्योर कि आईएमसी के पास आज 350 से ऊपर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और अलग अलग कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो मैं आज जानना चाहूंगी आपसे कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खासियत है जिससे कि आज लाखों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। हेल्थ की बात अगर हम करें तो बहुत अच्छी हेल्थ लोगों को मिली है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हुई है। आई एम श्योर आपके पास बहुत से ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो आपको पता लगा होगा कि आपने जब लोगों को प्रोडक्ट्स दिए, तो आई वुड वांट टू नो कि ऐसी क्या खास बात है आईएमसी के प्रोडक्ट्स में। अ वेरी गुड आईएमसी टू एवरी आईएमशियंस एंड होप्स हो कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार एंड अपने लवली आईएमशियंस के संग व्यस्त हैं, राइट? So very very thanks to IMC for giving me this wonderful opportunity and thanks a lot Bharti ma'am for inviting me. And it's that true ki IMC products are very good, very best result, right? Aur mashallah maine bhi bahut acha response liya hai IMC ke product ka. Aur agar main baat karu ki hamare jitne bhi products hain, jaisa ki abhi Bharti ma'am bhi bata rahe the ki 350 plus hamare paas aaj product hain jo ki kai category mein hain, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे रिसर्च बेस्ड है। और अलबत्ता अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा हुआ है हरिद्वार में जाकर के कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है ना, हमारे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग है वो कैसी है वो हमने देखा जाकर के, जो कि टोटली ट्रांसपेरेंसी है, राइट? सो रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ आईएमसी एंड रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ टीम डीएन सिंह सर, राइट? एंड अगर मैं बात करूं आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल के ऊपर कभी भी टेस्ट नहीं किए जाते दोस्तों, राइट? बिकॉज ऑफ कि आज हम आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग एंड GPP यानी गुड पैकिंग प्रैक्टिस, ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो हमारे जो 350 प्लस प्रोडक्ट हैं बहुत ही बेहतरीन कैटेगरीज में हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो हमारा आज सिस्टम है वो बहुत ही बेस्ट है, हमें बहुत ही समय पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे के लिए हमें किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आईएमसी का जो सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वो है हमारा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, राइट? साथ ही अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट की
रिटेलिंग बहुत ही इजीली हम कर लेते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही रिजल्टफुल है। आज अगर मैं खुद की बात करूं, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं जब से मैं आईएमसी में हूं कि मैंने खुद सेल्फ आईएमसी के प्रोडक्ट से अपने फेस को सही किया, राइट। और अगर मैं बात करूं तो आईएमसी में सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट है वो आयुर्वेद बेस्ड है। सो रियली बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम इस मार्केट में हैं जिस मार्केट में तरह तरह के कॉम्पिटिशन है, और आज उसमें हमारे आईएमसी की जो सबसे बड़ी यूनिक पॉइंट है वो है कि हम आयुर्वेदा के साथ आज रेड सेलिंग में कदम रखे हैं। गुड आईएमसी। वाह, कितनी अच्छी चीजें बताई आपने आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में, और मुझे यकीन है कि इतनी सारी सर्टिफिकेशन के बाद अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट लेके आती है तो यकीनन वो प्रोडक्ट जो है एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आप तक पहुंचाया जाता है, और एनिमल्स के ऊपर हमारी टेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, विच मीन्स कि वी आर एन एनिमल फ्रेंडली कंपनी ऑल्सो, एंड ऑल्सो जो सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं वो किसी भी अच्छी कंपनी के लिए फॉर द प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं होंगी, अगर ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिजल्ट शायद उसके आपको उतने अच्छे नहीं मिले। एंड क्योंकि हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, वी आर एन आयुर्वेदिक कंपनी, तो हमारे लिए ये चीज बहुत एक प्राउड वाली चीज है कि हम अपने कंट्री का जो एक पुराना हमारा ओरिजिन है, आयुर्वेदा का ओरिजिन कहाँ हुआ, भारत में हुआ, और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और अशोक सर का तो हमेशा से यही कहना है कि आयुर्वेदा को हमारा हमने घर घर तक पहुंचाना है, तो इसी बिलीफ के साथ आज हमारी कंपनी मलेशिया में भी एंटर हुई है। तो सोचिए कितनी बड़े प्राउड की बात है हम सबके लिए कि आयुर्वेदा इंडिया से बाहर जाकर अब मलेशिया के लोगों को भी बेनिफिट देने वाला है। सो थैंक यू सो मच हिबा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया आईएमसी की प्रोडक्ट्स में क्या खास बात है, थैंक यू सो मच। परमा जी, अगला सवाल आपसे है मेरा। आई एम वेरी श्योर कि इस बिजनेस में आपको काफी टाइम हो गया होगा इस कंपनी में काम करते हुए, और एज अ वुमेन मुझे ऐसा भी लगता है कि एज अ वुमेन इस बिजनेस को शायद यू नो ग्रो करना आपके लिए इतना आसान रहा भी नहीं होगा, बिकॉज हर अच्छी चीज को पाने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस से निकलना पड़ता है। बट आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आज बहुत सी महिलाएं हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं और कहीं ना कहीं वो सोच रही होंगी कि इस बिजनेस को मुझे भी ज्वाइन करना है, तो सबसे बेस्ट और इजी वे क्या है, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ऐसे कौन से अगर आप लिस्ट आउट करना चाहें ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। गुड एंसी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैम आप मुझे यहाँ पर हमको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मेरे जो वेस्ट बंगाल में हम लड़कियों को बहुत ही मुश्किल है ये काम करना, क्योंकि हम पूरा हाउसवाइफ थे और थोड़ा थोड़ा मैं डांस भी सिखा रही थी सबको और कुछ नहीं। मैंने पहली बार मैं इस कंपनी में आई हूँ, लेकिन ये पहली बार और आखिरी ही कंपनी है, क्योंकि आईएमसी का मैं पागल फैन हूँ। और सबसे पहले मैं यही बात सबको बोलना चाहूँगी, इजीएस्ट वे है वो है कि हमको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। पहले तो हमको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल उसके साथ हमको 100% हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो दम है वो सबको पता चल जाएगा कि आईएमसी का प्रोडक्ट में क्या दम है। और उसके साथ है होम मीटिंग, हम रोज होम मीटिंग करते हैं अभी तक, अभी भी मैं डेली दो होम मीटिंग तो करती ही हूँ। और जो है कैनोपी, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म, कैनोपी एक इजी वे है, तो कैनोपी लगाकर हम बहुत जल्दी इस काम में सक्सेस हो सकते हैं। और उसके साथ है गिफ्टिंग, हम जो मैं करती हूँ वो है कि जो ओकेशन में जाती हूँ तो मैं और कोई ये चीज़ लेके नहीं जाती हूँ, मैं आईएमसी का प्रोडक्ट ही सबको देती हूँ, क्योंकि गिफ्ट देने के बाद उसका जो हमको फीडबैक आता है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके साथ हमको बोलते हैं वाह ये बहुत अच्छा है, और जिसको समझ में नहीं आता है वो हमको पूछ लेते हैं, उसके बाद यूज़ करने के बाद वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे करके हम हमारे आईएमसी में काम कर रहे हैं। ये तो आपने इतना अच्छा आइडिया दिया हमारे व्यूअर्स को आज कि गिफ्टिंग एक सबसे बढ़िया तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, और डिटेल में हम आपसे जानेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को ग्रो कर पाए हैं इन टेक्निक्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन प्रीति जी आपसे है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बात करी थी कैनोपीज के बारे में, एंड नो डाउट कैनोपी क्वीन की अगर हम टाइटल देना हो तो कैनोपी क्वीन आप आईएमसी की कैनोपी क्वीन है,
क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से आप कैनोपीज लगा लगा के आपने इस बिजनेस में ग्रोथ हासिल करी है और यकीनन कामयाबी भी मिली होगी, और आप एक जीती जागती टेस्टिमोनी है हमारे लिए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे आप कैनोपीज जो है रेगुलर बेसिस पे लगाती रही हैं। और आज जो कैनोपी कल्चर है, हम महीने की हर 3 तारीख को कैनोपी डे सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे पूरे देश में कैनोपीज लगती हैं और लोग अपनी फोटोग्राफ्स हमारे साथ शेयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि किस तरीके से कैनोपी के थ्रू लोग अपने बिजनेस को आज एक नया मुकाम दे रहे हैं। तो प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैनोपीज कैसे मदद करती है बिजनेस को ग्रो करने में, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? जैसे कि कैनोपी के द्वारा मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही अच्छी से ग्रोथ तो होती है, सबसे बड़ी बात ये कि व्यापार बढ़ाने का इसमें बहुत अच्छा तरीका भी है, पर सही सिस्टम के द्वारा। कैनोपी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती एक करते हैं, वो क्या करते हैं कि मसाले लेकर बैठ जाते हैं, स्पाइसेस, गर्म मसाला, लाल मिर्च, ये चीजें, जबकि ये यूज करो घर में। मगर आपने बिजनेस लेवल की बात करनी है तो हेल्थ प्रोडक्ट को रेंज लेकर चलिए आप कैनोपी के अंदर। जो प्रोडक्ट आपको डेली यूज में पता है कि वो चलने वाला प्रोडक्ट है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कौन सा आप रखोगे? मैं ये कहती हूँ जैसे आइस टॉनिक, मैं क्या करती हूँ किसी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर कैनोपी लगाती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। कई लोग कहते हैं जी कैनोपी लगाना एक महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल वाला काम है, डोर टू डोर जाना मुश्किल वाला काम था जब मैं गैस पाइप बेचती थी, कोई मेरे से बात करे। बोलने को बहुत लोग बोल देते हैं कि कैनोपी लगाना क्या कैनोपी, मैं कहीं पे जॉब 8 घंटा टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से टाइम दे रही हूँ, सबसे खुशी वाली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि चेयरमैन बनी, चाहे मैं एम्बेसडर बनी, वो मैं कैनोपी के द्वारा ही बनी हूँ, ठीक है। इससे मेरी बिजनेस, आज यूपी की टीम मुझे कहाँ से मिली, कैनोपी के द्वारा, दिल्ली की टीम कहाँ से मिली मुझे, कैनोपी के द्वारा, बिहार की टीम कहाँ से मिली मुझे, कैनोपी के द्वारा। मैंने कैनोपी के द्वारा ही अपनी टीम को भी गाइड करती हूँ और अदर टीमों में भी यही मैं गाइड करूंगी कि कैनोपी से बड़ा प्लेटफार्म कोई नहीं है। अगर कोई कहता है कि भाई कैनोपी लगाने से कुछ नहीं होने वाला, कैनोपी से प्रोडक्ट नहीं बिकना आपका, उसको मेरे साथ जरूर एक बार मिलाना, उस शख्स को मेरे साथ मिलाना कि इससे बड़ी मिसाल और कुछ भी नहीं है, प्रीति मैडम से बात करो कैनोपी की। मैं ये देखो एक स्पीकर रखा हुआ है, ये मुझे बिजनेस निकाल कर देता है, मुझे नहीं बोलना पड़ता, इसी तरह आप बुला सकते हैं, ठीक है। उसके द्वारा मैं, कोई भी आता है उसको तुलसी का ये पानी जो मैं अभी पी रही थी आपको दिखाया कि तुलसी पानी उसको पिलाइए। कुछ प्रोडक्ट खोलने पड़ेंगे, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, प्रोडक्ट बिक जाए हम ऐसे खड़े रहे, कस्टमर चलकर नहीं आपके पास आएगा, कस्टमर को बुलाना पड़ता है, ठीक है। आप कैनोपी में खड़े हो जाते हैं, कैनोपी लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता, कारण मैं बताती हूँ आपको। प्रोडक्ट हमेशा बैठने से, खड़े होने से नहीं बिकेगा, वो तो आप घर में भी बैठे हुए बैठे रहो, ठीक है। हमेशा अगर मेहनत करनी, थोड़ी सी मेहनत करने से, अगर आपको फल खाने है ना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लगा लिए, आप कैनोपी से बाहर आइए, ये एक प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए उनके, आपके पास क्या प्रोडक्ट है। अब वहां पर आइस टॉनिक भी पड़ा है, तुलसी भी पड़ी है, एलोडाइज पड़ा है, शुगर वाला भी पड़ा है। आप मानोगे नहीं, कल की बात है, एक चंडीगढ़ से कॉल आई कि प्रीति मैडम बोल रहे हो, मैं कहा हाँ जी। तो मैंने कहा अभी कौन बोल रहे हैं, कहते मैडम हम आपको ना बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे मिले थे, हमें 10 शुगर वे रस चाहिए, हमें आप मतलब डुगरी में पहुंचा दोगे, फेस वन में है। मैं कह मेरे घर से 15 मिनट का रास्ता, 10 शुगर वे रस मैं मिनट में पहुंचाऊंगी, ठीक है। जबकि मेरे शुगर वे रस खत्म हो चुके थे एक दिन पहले, मेरे पास 9 थे, और मेरा माइंड क्या काम किया कि मैं एलोवेरा बीच में लगा देती हूँ, एलोवेरा बीच में लगा देती हूँ, एलोवेरा भी तो शुगर वाले पेशेंट पे काम करेगा ना, तो 10 बोतल मांगी, 10 ही पूरी करके दूंगी इनको मैं, चाहे उसके लिए मैंने एलोवेरा साथ में लगाया, मतलब। और जब मैं आंखों की दवाई जो 75 रुपीज की, वो 70 रुपए की बिकती है, ठीक है, मैं बेचती हूँ, चलो चल गई भाई, 5 रुपीज हमें लेस कर दी, लेस करते हैं तो कर दिए लेस, 5 रुपीज छोड़ दिया आपको, पर 30 रुपए के साथ में मैं ये देती हूँ, मैं उसे 100 रुपया पूरा लेती हूँ, मैं 30 रुपए वापिस नहीं कभी करती। मैं
मतलब जो 100 रुपए है 100 रुपीज है मैं कंप्लीट लेती हूँ, मैं कभी भी 30 रुपए वापिस नहीं करती हूँ। कि ये मुलट्ठी लौंग का तेल से बना एक मंजन है बहुत बढ़िया, इसे पीलापन दांतों में ब्लड आता है, आपके ठंडा गर्म लगता है। सर आप छोटा लेकर जाइए, फिर आप बड़ा ले लेना, ये 120 वाला ये ले लेना अगर आपको अच्छा लगे। मुझे एकदम विश्वास है कि आप दोबारा आओगे, आप इसके साथ के बड़े दो लोगे, एक नहीं लोगे दो लोगे, आप बोलोगे बहुत अच्छा है। समझाने वाला इंसान चाहिए। फिर उसके बाद आप ये लीफलेट दीजिए, आपके पास नंबर आपका जरूरी, चाहे विजिटिंग कार्ड रखें चाहे लीफलेट रखें, मेहनत आपने की, प्रोडक्ट आपने दी, लास्ट में आपने एक काम खराब कर दिया, आपने अपना नंबर नहीं छोड़ा उसके पास, ऐसा लीफलेट रखिए, इस पे नंबर दिया हुआ है, बोलिए सर या मैम ये मेरा नंबर है, आपको दोबारा प्रोडक्ट चाहिए आप मुझे एक बार जरूर याद करना, ठीक है, होम डिलीवरी फ्री है। इतनी बात बोल दीजिए, बोलो मेरा कोई ना कोई लड़का या लड़की आपको घर में प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो आप इतना लीफलेट छोड़ दिया तो दोबारा उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, अगर मैंने शुगर दिया जूस, अगर उनके पास नंबर ना छोड़ा तो वो प्रीति नाम कहां से मेरा ले लेती, ठीक है, शुगर को कहां से, शुगर वे रस को कहां से याद कर लेते। इसलिए प्रोडक्ट की रेंज बहुत है, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। तो मैं आपको ये चाहूंगी कि आप ये प्रोडक्ट को खुद यूज करो, अगर किसी ने घर में यूज नहीं किया ना वो जरूर यूज करें, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेचने की करते हैं, कभी खुद यूज कई लोग नहीं करते हैं, जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे हमें उसका रिजल्ट नहीं पता होगा। इसलिए जैसे दांतों के लिए मंजन है, एलोवेरा है, शुगर में रस है, उसके लिए एलो डाइजेस्ट है, पेट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लीवर सिरप है, ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए ब्लड का प्यूरीफाई आप वो सिरप दे सकते हैं। उसके अलावा प्यारी सहेली है फीमेल के लिए। प्रोडक्ट की रेंज की बात करूं तो शायद अंधेरा ही हो जाएगा, ठीक है, रात यही हो जाएगी। तो मैं चाहती हूं कि आप इस प्रोडक्ट के मेन प्रोडक्ट आप रखिए। महिलाएं आज कौन सी महिला जो सुंदर नहीं लगना चाहती, कौन सी महिला कहेगी मैं बदसूरत लगूं, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी महिला बोलेगी। हर महिला कहेगी आज मैं टिप टॉप लगूं और दूसरे से मैं ज्यादा सुंदर लगूं। तो मतलब एलोवेरा जेल इसके अंदर है, स्क्रबर इसमें है, फेस वॉश इसमें है, मुल्तानी मिट्टी का साबुन, मुल्तानी मिट्टी आप कच्ची क्यों लगाओ, कहाँ ढूंढोगे, आपके पास बना बनाया मुल्तानी साबुन है, वो आप फेस वॉश कीजिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लीजिंग मिल्क है, उससे आप क्लीन कीजिए एकदम अपने फेस से। मतलब हर प्रोडक्ट का मैं कह रही रिजल्ट है, और उससे आप घर में आप फेशियल किट लाइए IMC, खुद फेशियल कीजिए। रेंज की बात करूं तो पता नहीं क्या क्या मस्कारा, आईलाइनर, लिपस्टिक, क्या कुछ आ रहा भी IMC के अंदर, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट की जो रेंज है बहुत ज्यादा है, और आप अपने लिमिट के प्रोडक्ट आप लेकर रखिए, आप घर में स्टॉक रखिए, कम से कम 20-30 हजार का स्टॉक रखिए, आपको जाना ना पड़े दूर ऑफिस पे बिलिंग करवाने के लिए, आप घर से प्रोडक्ट उठाइए और घर से किसी को देने तो आप दे सकते हैं इजी वे। उसके अलावा कुनोपी में आप जाइए, कुनोपी में प्रोडक्ट रखिए, साथ में एक हेल्प के लिए चाहे कोई लड़का चाहे लड़की जरूर रखें। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा है, और आप चाहें तो ये प्रोडक्ट घर घर में आप पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ टेक्निक एक आपको इस्तेमाल करनी है, आप लीफलेट, विजिटिंग कार्ड आप खुद बता सकते हैं, जहां पर 4 लोग बैठे हैं वहां बताने में कोई शर्म नहीं है, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य के तरफ लेकर जा रहे हैं। कौन लोग कहते हैं कि हम स्वस्थ न रहें, क्योंकि बीमार लोग तो बहुत पड़े हैं, आप हॉस्पिटल में एक बार चक्कर लगाकर आ जाओ आपको समझ आ जाएगी। आज लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाकर भी कई लोग सही नहीं होते हैं, उनका पैसा वेस्ट है। अगर आप मतलब स्वस्थ नहीं है, आप काम कर रहे हो, पैसा है, पर उस पैसे को क्या यूज करोगे। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि इस प्रोडक्ट को आप घर में इस्तेमाल करें। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे तुलसी है, एलो डाइजेस्ट है, इसको घर में आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोविड का टाइम था, सबसे ज्यादा तुलसी का इतना ज्यादा सेल था, एलोवेरा का इतना ज्यादा सेल था कि कंपनी के अंदर भी स्टॉक जल्दी कम पड़ जाता था, इतना ज्यादा उनको पीछे से फोन पे फोन आते थे और मंगवाइए सर, और मंगवाइए, और मंगवाइए, क्योंकि हरिद्वार से आते हैं, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार में है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी
कि आपको प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी दे सकते हैं, आपको खुद को जानकारी चाहिए। इसमें बहुत सारी बुक्स कैटलॉग जो आई हैं उसको आप पढ़िए, क्योंकि पहले तो हमारे टाइम में पोस्टर होते थे, हम दीवार पे चिपका कर उसके रट्टे लगाते थे, ठीक है। हमारे टाइम में कोई बुक्स नहीं थी, कोई सीडी नहीं थी, आज सारी सुविधा है। आज तो आपके पास पक्का पकाया खाना आ चुका है, उसको बस उठाकर आप खाइए, बस ये है कि आप खाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा है और पैकिंग बहुत जबरदस्त है, उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। ऐसी क्वालिटी आपको किसी भी कंपनी की नहीं मिलेगी, मैं दावे से कह सकती हूँ। So, बहुत अच्छा आपने बताया हमें कैनोपी के बारे में, एंड आई एम श्योर कि आज हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आपने कैनोपी के बारे में। तो अगला क्वेश्चन परमा जी मेरा आपसे है कि आउट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने जो भी हमें ऑप्शंस बताई कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, तो व्हाट इज योर फेवरेट मेथड, और ऐसा कौन सा मेथड है जिसने आपको मदद करी है आपके इस बिजनेस को आगे ग्रो करने में? तो सबसे बढ़िया जो मेरा जो मेथड है वो है गिफ्टिंग, क्योंकि ये गिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस है ये बहुत बढ़िया है, और मैं जो जो मीटिंग में जाऊँ, जो जो ओकेशन पे जाती हूँ, वो ओकेशन में मैं दुकान से जब खरीद लेती थी गिफ्ट तो सभी लोग देते हैं, उसमें कोई अच्छी माने स्पेशलिटी कोई नहीं है। तो मैं सोची थी कि ठीक है चलो मेरा IMC का जो प्रोडक्ट वो भी सबको पता चल जाएगा, और उसके साथ मैं जब दूंगी उसको तो वो जब यूज़ करेंगे उसके बाद वो तो मुझे फीडबैक भी करेंगे ना जो IMC के ये क्या है, और जो फेस वॉश है वो तो माइंड ब्लोइंग है, हल्दी चौधरी फेस वॉश। और जो प्रीति जी ने बोला है कि सब लोग सभी तो चाहती कि मैं सुंदर रहूँ, तो इसलिए मैं ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा देती हूँ, और जो मेरा जो होम प्रोडक्ट है वो होम प्रोडक्ट भी मैं देती हूँ। तो इससे फीडबैक बहुत बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो इसलिए मैं गिफ्टिंग में बहुत बिलीव करती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू ग्रो योर बिजनेस इज गिफ्टिंग, क्योंकि गिफ्टिंग से क्या होता है कि जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ओकेजन हम सबकी लाइफ में आते रहते हैं, शादियां, बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गई, देन दिवाली है, पूजा है, कुछ भी ऐसे ओकेजन जहाँ पे हमें एक दूसरे को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, तो क्यों ना आप शुरुआत करें। अगर आप किसी को IMC के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं, क्यों ना आप एक गिफ्ट हैम्पर से शुरुआत करें, और गिफ्ट हैम्पर देने का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि एक बार वो कस्टमर या वो आपका फ्रेंड रिलेटिव जो भी है, जो भी आप जिनको भी आप गिफ्ट दे रहे हो, जब वो एक बार प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में पता लगेगा, और एक बार उनको वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो यकीनन वो आपसे रीऑर्डर करेंगे, और रीऑर्डर करने से क्या है, देन वो आपके रेगुलर कस्टमर हैं जो आपके वो बन जाएंगे। तो ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आप कुछ भी गिफ्ट करते हो ना, तो ट्राई विद गिफ्ट हैम्पर्स। आप गिफ्ट हैम्पर्स से, छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी किट्टी पार्टीज हैं, आपके घर में गेट टुगेदर्स हैं, आपने कोई सेलिब्रेशन रखी है, कुछ भी ऐसा ओकेजन है, रिटर्न गिफ्ट देना है आपको, तो आप IMC के गिफ्ट हैम्पर से। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात भी करी कि IMC के पास अलग अलग रेंज है, प्रोडक्ट रेंज है, तो आप किसी भी महिला को अगर गिफ्ट देना है तो आप किचन के कुछ प्रोडक्ट दे सकते हो, सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है, आप स्किन केयर के प्रोडक्ट दे सकते हो जिससे इंस्टेंट उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा। तो परमा मैम ये आपका मेथड जो है बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए हमें पता है कि अगर आप इस बिजनेस में आज एम्बेसडर लेवल पे हैं तो मुझे लगता है कि इस मेथड ने आपको बहुत ज्यादा मदद किया होगा, और हमारे व्यूअर्स इस मेथड को कैच करेंगे और अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। हिवा जी, आपको मैं अक्सर देखती रहती हूँ, व्हेनेवर आई स्क्रॉल थ्रू इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप देखा है मैंने, या फेसबुक पेज देखा है, तो मुझे आपकी ऐसी बहुत सी फोटोग्राफ्स देखने को मिली हैं जहाँ पे आप ने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मीटिंग करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप होम मीटिंग्स बहुत ज्यादा करती हैं, और होम मीटिंग्स भी एक वन ऑफ द सेफेस्ट मोड है जिससे कि आप एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एज अ वुमेन होने के नाते। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे होम मीटिंग्स आपके बिजनेस को मदद करती आई है। गुड आइम सी, और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि होम मीटिंग इज वेरी सेफेस्ट फॉर वुमेन, और अगर मैं बात करूं तो रियली दोस्तों होम मीटिंग आर वेरी सेफ, क्योंकि आज मेरी बहुत सारी मेरे ग्रुप्स में मेरी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेरे साथ में होम मीटिंग्स करती हैं, और आज मैं खुद एम्बेसडर लेवल पे हूँ, बट बावजूद उसके मैं खुद अपने लेवल से भी आज भी मैं होम मीटिंग्स करती हूँ, बिकॉज ऑफ कि मुझे पता है कि आज हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है और जो बेस्ट ग्रोथ है और जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है
वो ड्यू टू आईएमसी होम मीटिंग्स, राइट। सो इस वजह से दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि होम मीटिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, कि होम मीटिंग बहुत ही आसानी से हम महिलाएं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि महिलाएं एक ऐसी ताकत होती हैं जो कि किसी के भी घर में आने और जाने में उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं तो एक खासियत है कि आज हमारे लिए बहुत ही आसान है अगले के घर में एज अ फीमेल जाकर के होम मीटिंग करना। साथ ही अगर मैं बात करूं तो हम कहीं पर भी अगर होम मीटिंग करते हैं तो नो डाउट वो होम मीटिंग हमारे लिए बहुत ही बजटफुल होती है, राइट। मतलब हमारे वहां पर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाजवाब तो होते ही होते हैं, मगर जिनके यहाँ पर हम जाकर के मीटिंग करते हैं उनके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ही ये चीजें बजटफुल है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि होम मीटिंग से बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर मैं बात करूं तो होम मीटिंग फीमेल के लिए तो बेस्ट है ही है, बट आज अगर मैं बात करूं होम मीटिंग फॉर ऑल आईएमशियंस, तो आज दोस्तों होम मीटिंग के दम पे आज हम अपना नेटवर्क इसलिए बहुत बड़ा बिल्ड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कि होम मीटिंग के माध्यम से दोस्तों हम अगले के घर में एक फैमिली एनवायरनमेंट बनाते हैं आईएमसी का, राइट। हम जब जाते हैं और किसी के यहाँ पर होम मीटिंग करते हैं तो केवल वो बंदा ही पॉजिटिव नहीं होता है, उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली इस प्रोडक्ट को, इस आईएमसी को हमें लेकर के पॉजिटिव होती है, हमें सपोर्ट में आती है हमारे और स्टैंड लेती है इस काम को करने का, और उस बंदे के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली का विजन क्लियर होता है, राइट। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो होम मीटिंग के माध्यम से हमारी बहुत ही अच्छी रिटेलिंग भी होती है। अगर मैं बात करूं खुद की तो मेरा टारगेट होता है कि अगर मैं होम मीटिंग कर रही हूं तो उस होम मीटिंग से कम मुझे मिनिमम टू मिनिमम मुझे 3-5,000 बीवी निकालना ही निकालना है ड्यू टू होम मीटिंग, राइट। और साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज होम मीटिंग के लिए अगर मैं बोलूं तो मैंने अपने कई सारी फीमेल्स हैं जहां पर उन्होंने अपने घर में ही आईएमसी के प्रोडक्ट्स कॉर्नर बनाए हुए हैं। आज अगर मैं बात करूं खुद की तो मेरे घर में भी आज आईएमसी का प्रोडक्ट कॉर्नर है, और आज इस प्रोडक्ट कॉर्नर के दम पे दोस्तों हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे नियर एंड डियर जो भी होते हैं, जब वो हमारे घर में आते हैं और हमारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं तो वो हमारे बिना बताए हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स को जान जाते हैं बिकॉज ऑफ कि हमारा जो वहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले है, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये बिजनेस में हमारे साथ साथ हमारी बिजनेस में हमारी फैमिली भी हमारा सपोर्ट करे, हमारी फैमिली भी हमारे इस माहौल में रहे, तो दोस्तों इसके लिए हमारे घर में हमारा प्रोडक्ट का कॉर्नर होना, प्रोडक्ट डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट डिस्प्ले से हमारे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही आसानी से इस प्रोडक्ट को, इस आईएमसी को समझ पाते हैं, और नो डाउट फ्रेंड्स हमें भी आसानी रहती है अगले को बताने के लिए, राइट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा है होम मीटिंग की ताकत। अगर मैं बात करूं दोस्तों आज मेरे टीम में मैक्सिमम फीमेल्स हैं, आज मेरी कई सारी लेग है जो कि टोटल ऑन फीमेल्स की है, और आज अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेरा जो सबसे बड़ा टर्नओवर है वो सिर्फ और सिर्फ होम मीटिंग के वजह से ही है, राइट। होम मीटिंग दोस्तों मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि होम मीटिंग मात्र हमें 45 मिनट्स की ही करनी चाहिए, और होम मीटिंग में हमें बहुत ज्यादा किसी को लोड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होम मीटिंग में हम केवल उनके लोगों से मिलने जाते हैं। वहां पे हमें बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी का अरेंजमेंट उन्हें नहीं कराना है, क्योंकि होम मीटिंग हमें हमेशा ऐसी करानी है ताकि हम दोबारा भी वहां पर जा सके, राइट। हमें इतना ज्यादा लोड नहीं देना है कि अगला बाद में हमारे साथ हिचकिचाने लगे इस मीटिंग को करने के लिए, राइट। हमें बिल्कुल नॉर्मली एज अ फैमिली मेंबर उनके पास जाना है, उनकी फैमिली के साथ, उनके जितने भी लोग उनके गेस्ट हैं उनके साथ हमें अपने आप को प्लगअप करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी होम मीटिंग लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो दोस्तों एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ, कि जब आप वहां पर होम मीटिंग करें और उस होम मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं व्हाटएवर, बट आपको मैं बोलना चाहूंगी कि जो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी मतलब सुन रहा है ना, आपके साथ आई कॉन्टेक्ट करके आपको सुन रहा है, तो दोस्तों लास्ट में आप निकलने के पहले उनका फॉलो अप लें और उनसे बात करें और उस मीटिंग में ही बोल दें कि ये रेखा जी हैं और रेखा जी ने नो डाउट आईएमसी हमारे आज की बहुत सारी बातों को सीखा और समझा है, और नेक्स्ट मीटिंग आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि आज रेखा जी बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को बिल्ड करने वाली है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग हमारी जो होगी वो रेखा मैम के घर में होगी। हमें ऐसा उनको वहां पे बोल करके आना है, अलर्ट करके आना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों जब हम कहीं पर भी होम मीटिंग करने जाएं तो वहां पर अपनी कम से कम 3 होम मीटिंग की अपॉइंटमेंट फाइनल करके आए। तो आई थिंक इट इज द वेरी बिग फॉर्मूला
फॉर योर बिजनेस ग्रोथ, फॉर आवर बिजनेस ग्रोथ. और रियली मैं तो बहुत ज्यादा होम मीटिंग करती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ और आज मेरे जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं अगर वो पूरी हो पा रही हैं, तो नो डाउट दोस्तों मैंने एज अ फीमेल, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो बेस था वो मेरा होम मीटिंग ही था, क्योंकि मुझे फैमिली के तरफ से अलाउ नहीं था. जैसे अभी भारती मैम भी आई थिंक बोल रहे थे और प्रीति मैम ने भी बोला कि फीमेल्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि आपको बड़े इवेंट में नहीं जाना है, आप 2 days और 3 nights की वर्कशॉप में नहीं जाना है, तो ऐसे चैलेंजेस होते थे. बट दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अपने फैमिली को पॉजिटिव करें, तो ड्यू टू होम मीटिंग आप अपने बिजनेस को बिल्ड करें, जिससे कि आपको भी रिजल्ट आएगा, आपके टीम को भी रिजल्ट आएगा. और जब आपकी वो फैमिली आपकी उस होम मीटिंग के साथ आपका वो रिजल्ट देखती है, जब वो फैमिली आपके होम मीटिंग के द्वारा आप जो रिजल्ट लाते हैं वो देखती है, तो दोस्तों वो फैमिली आपके साथ आपका सहयोग करती है. और उसी होम मीटिंग के दम पे दोस्तों हम अपनी वीकली मीटिंग भी करने लगते हैं, उसी होम मीटिंग के दम पे दोस्तों हमारी फैमिली हमें सेमिनार में भी जाना अलाउ करती है, उसी होम मीटिंग के दम पे दोस्तों हम 2 nights 3 days के वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं, और उसी होम मीटिंग के दम पे दोस्तों हम अपने मेगा इवेंट में अपने टीम के साथ जाते हैं, और उसी होम मीटिंग के दम पे दोस्तों हम IMC के द्वारा जो भी हमें टूर मिलते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो. और दोस्तों मैंने अपनी होम मीटिंग के दम पे अपनी फैमिली का दम जीता, जिसके वजह से आज मैंने बहुत सारी फॉरेन कंट्री में जाकर के IMC के माध्यम से अपने जिंदगी को एंजॉय भी किया है. और नो डाउट केवल होम मीटिंग के ही बिलीव पावर से मेरी फैमिली ने मुझे विदेश जाने के लिए भी अलाउ किया. तो दोस्तों होम मीटिंग बहुत ही मजबूत और बहुत ही जबरदस्त स्तंभ है हमारे बिजनेस का, राइट. और लास्टली अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है IMC के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं प्रोडक्ट का ही एक्सपीरियंस बताऊंगी, बिकॉज कि हमारा जो फर्स्ट हमारा जो उद्देश्य है वो है वी मेक हेल्दी, राइट. तो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी इसके प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया, क्योंकि मम्मी के जो रिजल्ट थे मम्मी की डिसीजन के वजह से दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो मैं IMC में हूं. क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे IMC के प्रोडक्ट को पास किया था, राइट. सेकंड दोस्तों मैंने खुद के ऊपर भी सेल्फ यूज किया, क्योंकि मुझे एक्ने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी. बहुत सारी फोटोज मेरी है सोशल मीडिया पे, आप जा करके प्रीवियस की देख सकते हैं. बट मैंने ड्यू टू IMC प्रोडक्ट मैंने अपने आप को ठीक किया, राइट. और वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो टेलकम पाउडर इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, जो कि आज उसने मुझे अगर मैं बात करूं, मैं नहीं बोल सकती खुद से कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, बट उस टेलकम पाउडर के दम से दोस्तों आज मेरी जो स्किन है वो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही बेस्ट है. और अगर मैं बात करूं अपने अनुभव के साथ साथ आज अपने नजरिए की बात करूं दोस्तों अगर IMC में, तो दोस्तों आज फीमेल्स के लिए IMC एक बहुत ही बेहतरीन और साथ ही साथ बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है. तो इट इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, राइट, फॉर एवरी फीमेल्स. और आज अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इस सिस्टम में मैं क्यों अच्छे तरीके से ग्रो कर गई, क्योंकि दोस्तों आज यहां पर हमें हमारे IMC मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है. आज IMC के अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रांग है. और अगर मैं देखूं तो नो डाउट भारती मैम ने आज फीमेल्स के लिए आज इतने ज्यादा मैं देख रही हूं कि आज इतनी बेहतरीन तरीके से एक पॉजिटिव प्रायोरिटी आज फीमेल्स को जो मिल पा रही है, तो नो डाउट ड्यू टू भारती मैम कि आज इन्होंने आकर के आज IMC में फीमेल्स के लिए जो लगातार वोमेन एम्पावरिंग प्रोग्राम होते हैं, तो नो डाउट ये दोस्तों हम सब के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है. और अगर हम इस चीज का लाभ उठा लेते हैं और अगर हम इसे अपने बिजनेस का एक जरिया बना लेते हैं, तो नो डाउट दोस्तों आपको भी हिबा खान बनने में देर नहीं लगेगी. बहुत खूब बोला हिबा जी आज आपने, एंड यकीन मानिए आप सबको देख के ना मुझे इतनी खुशी होती है कि आप सब एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन काम कर रहे हैं. आप लोग आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि आपने कितने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हो आप लोग. और ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज यू हैव गॉट सपोर्टिंग फैमिलीज विद यू जो आपको सपोर्ट करती हैं. आपका बिलीफ सिस्टम, आपका अपने ऊपर बिलीफ होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. अगर हम आज के टाइम पे अपने ऊपर बिलीफ नहीं कर सकते हैं तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रांग बिलीफ लेके आना है अपने अंदर कि आप कर सकते हैं. यकीन मानिए
आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो सबसे पहले तो वो सीखिए। और आज के प्रोग्राम में हमने इतनी खास बातें सीखी हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक नई उड़ान दे सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले प्रीति जी ने बताया कि आप कैसे सेल्फ यूज करके पहले प्रोडक्ट को सेल्फ यूज कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप प्रोडक्ट को सेल्फ यूज नहीं करेंगे आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा। और आप खुद अगर प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है और आप आगे भी किसी को प्रोडक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। सेकंड हमने ये जाना है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और इन न्यूमरस तरीके हैं। आप किटी पार्टीज करके कर सकते हैं, आप वो मीटिंग्स करके, आप कैनोपीज लगाइए, देन आप गिफ्टिंग करिए। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों से जब आप शुरुआत करेंगे ना, आप देखेंगे कि अपने आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रीति जी, अब लास्ट सवाल आपसे है, जाते जाते आप कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? जी मैम, कोई लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ कि IMC कंपनी जैसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको ऐसा बिजनेस है कि इसमें आप अपनी फैमिली को भी समय दे सकते हैं, और आप बिजनेस जहाँ जिस शहर में रहते हैं वहां पर अपना बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि अलग अलग शहरों में जाकर बिजनेस करना पड़े, ठीक है। आप अपने जहाँ रह रहे हैं वहां से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, महिलाओं के लिए सबसे ईजी बिजनेस है, इससे ज्यादा ईजी बिजनेस मुझे नहीं लगता कोई होगा। और सबसे बड़ी है कि सपोर्ट मिलती है फैमिली की, और इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म आपको ना तो मिलेगा ना मिल सकता है, क्योंकि जितनी सपोर्ट मुझे यहाँ से मिली है IMC से, मैं जीरो लेवल से काम शुरू किया था। आप मुझको देख लीजिए कि मैं 3 गाड़ियां IMC के द्वारा ही मेंटेन की हैं, जो कि मुझे गाड़ी चलाती थी, और आज मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, किराए के मकान पे रहकर तो आज मैंने 80 लाख का जो घर लुधियाना में मैंने लिया हुआ है वहां मैं रह रही हूँ। और इतने बड़े सपने अगर मेरी जैसी महिला के पूरे हो सकते हैं तो आप महिलाओं के क्यों नहीं हो सकते। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, आप आगे बढ़िए। आपको कोई सपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट तो हमेशा आपके साथ सपोर्ट के लिए रहता ही है, और मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपको कभी भी मेरी सपोर्ट चाहिए, मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ कंधे से कंधा मिला के। मेरे तो खून में भी IMC है, तो इसलिए मैं यही चाहूंगी कि आप IMC के आगे बढ़िए लेकर। थैंक यू सो मच प्रीति जी, और यकीन मानिए पूरी मैनेजमेंट आप सब महिलाओं के साथ है। वेमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो IMC मैनेजमेंट आज बहुत जोरों शोरों से कदम उठा रही है कि हम अपनी महिलाओं को और सशक्त बनाएं, और आपके साथ साथ आपके आसपास की जितनी महिलाएं हैं उनको भी सशक्त बनाना हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है औरों की जिंदगियों में, और इसके लिए IMC मैनेजमेंट और IMC की पूरी फैमिली आप सबके साथ हरदम है और हरदम रहेगी। आपको जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत है IMC मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। और जाते जाते मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा कि हमारी ये 3 सशक्त महिलाओं ने IMC में इतना ग्रो किया है, अपने सपनों को हासिल किया है, तो उसी तरीके से आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, एक अपने सपनों पे बिलीफ रखना है, अपने सपनों को एक नई उड़ान देनी है, और जो भी आज हमने बातें डिस्कस करी उनको अभी से इम्प्लीमेंटेशन करना उनका स्टार्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। और साथ ही में मैं आप सबका, आप तीनों का, प्रीति जी, हिबा जी और परमा जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने टाइम निकाला और आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी जो उनको भी मदद करेगी उनके बिजनेस को सपोर्ट करने में। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप सब लोग यहाँ आए और आपने आज आके हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके साथ शेयर करी। तो दोस्तों, अब वक्त है आप सबसे विदा लेने का, क्योंकि अगली बार मिलना है एक नए टॉपिक के साथ, तो उसकी भी तैयारी करनी है, आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आना है। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक में हमारे अगली 3 सशक्त महिलाओं के साथ, जो कि आपके समक्ष आकर अपने पॉइंट्स को शेयर करेंगी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से आपको भी मदद कर सकें। सो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए,
कोविड फिर से फैल रहा है उसका विशेष तौर पे अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गुड आई एमसी। सशक्त नारी, सशक्त नारी। जिंदगी आई एम सी।